हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस एंड नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। मेरे संग थोड़ी देर बिल्कुल कंसंट्रेशन के संग रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बच्चों, नंबर ऑफ फंक्शंस के लिए हम सबको फॉर्मूला पता है, किसी भी एक सेट से दूसरे सेट की तरफ नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होते हैं, बाद वाले सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स रेस टू दी पावर पहले वाले सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हर केस में यही फॉर्मूला लगता है और हमारे पास क्या निकल आता है, नंबर ऑफ फंक्शंस। पहले केस में 4 रेस टू दी पावर 3, दिस इज 64 फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। दूसरे वाले केस में 3 रेस टू दी पावर 3, 27 फंक्शंस। और तीसरे वाले केस में 3 रेस टू दी पावर 4 इज 81 फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, इन फंक्शंस में दो तरह के फंक्शन हो सकते हैं, या तो वो इनटू होंगे या ऑनटू होंगे। ये आप जानते हो कि फंक्शन दोनों ही नहीं हो सकता, अगर इनटू होगा तो ऑनटू नहीं हो सकता और ऑनटू होगा तो इनटू नहीं हो सकता। अब पॉइंट ये है कि हम इन दोनों में से किसको निकालना सीखें, तो आज हम निकालना सीखते हैं नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। इसमें थोड़ा सा हम कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे, थोड़ा सा बी विद मी, और आप देखेंगे कि नंबर ऑफ फंक्शन निकालने आपको आते हैं ना। ओके, अब नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस के लिए क्या प्रोसीजर हम अपनाने वाले हैं, पहले इनमें से कोई एक खाली छोड़ेंगे उसके फंक्शंस निकालेंगे, फिर कोई दो खाली छोड़ेंगे उसके फंक्शंस निकालेंगे, एंड सो ऑन। और पहले को प्लस, दूसरे को माइनस, तीसरे को प्लस, चौथे को माइनस, एंड सो ऑन। अब आप देखते रहिएगा, बी में 4 एलिमेंट हैं, इन 4 एलिमेंट में से किसी भी एक एलिमेंट को खाली छोड़ दो। कौन से एक एलिमेंट को, तो लेट से 4c1। 4c1 का मतलब इन चारों में से कोई भी एक सेलेक्ट किया और उसे खाली छोड़ दिया। अगर उस एक को खाली छोड़ दिया तो बी में कितने एलिमेंट बचे, 3। अब इन 3 एलिमेंट से कितने फंक्शन बनेंगे, 3 की पावर 3। 4 में से एक खाली छोड़ो, जो 3 एलिमेंट्स बचे उन 3 से कितने फंक्शंस बनेंगे, बी में है 3 और ए में है 3, 3 रेस टू द पावर 3। आंसर इज 4 × 27, दिस इज 108। डन। अब माइनस करना है कोई भी दो एलिमेंट को सेलेक्ट करकर। एक को सेलेक्ट किया और उससे जितने फंक्शन बने वो लिखे, फिर दो सेलेक्ट किए और उन्हें खाली छोड़ दिया, कोई से भी दो, तो 4c2। और उन दो से कितने फंक्शन बनेंगे, अगर आप दो सेलेक्ट करोगे तो आपके पास दो बचेंगे, और दो से फंक्शन बनेंगे 2 की पावर 3, और उनसे जो फंक्शन बनेंगे वो आपको क्या करने होंगे, माइनस। तो पहले एक छोड़ो प्लस करो, फिर दो छोड़ो माइनस करो, फिर 3 छोड़ो प्लस करो, एंड सो ऑन। दिस कम्स आउट टू बी 4c2 इज 6, 2 की पावर 3 8, दिस इज 48, लेकिन ये आपको करना है माइनस। देन अब 4 में से कोई 3 खाली छोड़ो, कौन से 3 सेलेक्ट कर लो, कोई से भी 3, और इसे आपको करना होगा स्टूडेंट्स प्लस। आपने 3 खाली छोड़े, जब आपने कोई से भी 3 खाली छोड़ दिए आपके पास एक बचा, तो ये एक एलिमेंट कितने फंक्शन बनाएगा, 1 रेस टू द पावर 3, 1 रेस टू द पावर 3, 4c3 इज 4, 1 दिस इज प्लस 4। नाउ यू विल गेट आंसर, दिस इज 160 एंड दिस इज आई होप 64। स्टूडेंट्स, अगर आप इस केस को ध्यान से देखिए तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हैं, 64, इसमें से इनटू फंक्शंस कितने हैं, 64, इसका मतलब ऑनटू इसमें बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ऑनटू फंक्शंस कितने होने हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस नंबर ऑफ वन फंक्शंस, विच इज इक्वल्स टू 0। नाउ कम टू द सेकंड केस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। स्टूडेंट्स, फंक्शंस कितने हैं,
हमें ढूंढने हैं इन टू फंक्शन। पहले हम तीन में कोई एक खाली छोड़ेंगे, उसके वाले केस प्लस करेंगे, फिर दो खाली छोड़ेंगे, उसके वाले केस माइनस करेंगे, फिर तीन तीन खाली छोड़ नहीं सकते। तो पहले तीन में से हम कोई भी एक खाली छोड़ेंगे, कोई सा भी एक, फिर हमारे पास कितने बच जाएंगे, दो, और उन दो से कितने फंक्शन बनेंगे, टू की पावर थ्री, एंड दिस इज 3 × 8 इज इक्वल्स टू 24। फिर माइनस करना है दो सेलेक्ट कर कर, तीन में से दो सेलेक्ट करो, जब तीन में से दो सेलेक्ट करोगे तो एक बचेगा, और वो एक कितने फंक्शन बनाएगा, 1 raised to the power 3, दिस इज माइनस 3 × 1 − 3, एंड फाइनली आंसर इज 21। तो स्टूडेंट्स इस केस में ऑल टू फंक्शंस बनेंगे, टोटल फंक्शंस 27, उसमें से माइनस कीजिए इन टू फंक्शंस, वी विल गेट 6 ऑल टू फंक्शंस। अगेन कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, आई मीन टू से द केस नंबर 3, इस बार ए के एलिमेंट्स ज्यादा हैं और बी के एलिमेंट्स कम हैं। हमने यहाँ पे स्टूडेंट तीनों केस डिस्कस किए हैं, एक बार ए में एलिमेंट कम, बी में ज्यादा, ए और बी के बराबर, और एक बार ए में ज्यादा और बी में कम। अब तीनों केस ध्यान से देखिए, फंक्शंस कितने बने हैं 81, फिर इनटू कितने बनेंगे, तीन में से कोई एक सेलेक्ट करेंगे उससे फंक्शंस बनाएंगे, वो प्लस करेंगे, फिर दो सेलेक्ट करेंगे उसके फंक्शंस माइनस करेंगे, तीन वाला केस हो नहीं सकता क्योंकि तीनों खाली छोड़ दोगे तो फंक्शन ही नहीं बनेगा। तीन में से कोई एक सेलेक्ट किया 3c1, कितने बचे, दो, और उन दो से कितने फंक्शन बचे, बने 2 की पावर 4, दिस इज 3 × 16 इज इक्वल टू 48। अब माइनस करो तीन में से कोई दो सेलेक्ट करके, तीन में से कोई दो सेलेक्ट करे तो एक बचा, वो एक कितने फंक्शन बनाएगा, 1 raised to the power 4, दिस इज −3 × 1 − 3, एंड फाइनली आंसर कम्स आउट टू बी 45। तो नंबर ऑफ ऑन टू कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस 81, उसमें इन टू कितने हैं 45। तो आप अपने आप माइनस करके देख सकते हो ऑन टू कितने बनेंगे 36। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है स्टूडेंट्स, आपको यहां ये ध्यान रखना है कि अगर ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी से कम हो तब कोई भी फंक्शन ऑन टू नहीं बन सकता। यस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, हम इन टू फंक्शन का जनरल फॉर्मूला भी क्रिएट कर सकते हैं, वो किसी और वीडियो में, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। आई होप आपको ये बात समझ में आती है। ठीक, थैंक यू।